नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब पार्टियों के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर कहा जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के बीच विवाद खत्म होने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर रावदान सिंह ने किरण चौधरी पर बड़े आरोप लगाते हुए, अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हुए बहुत कुछ कह दिया, या फिर यू कहे कि इशारों इशारों में खरी खोटी सुना गए। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर रावदान सिंह ने कहा क्या है, और उसके बाद इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जीत जो है ना, बहुत थोड़े उस मार्जिन पर आके अटकी। उसके बहुत सारे रीजन हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी रही तो नेताओं की रही, जो सही तरीके से काम नहीं किया या जिन लोगों ने ऊपर से नीचे से मार करने का प्रयास किया। ये लोग भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं, और परिणाम भी बताते हैं कि किसने क्या किया। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो, आने वाला समय है, सरकार कांग्रेस की बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व रहेगा। इशारा क्या पता है सबको, इशारा बताने की बात ही नहीं किसी को। दोपहर ने पूरा हरियाणा जानता है, इसमें बताने की बात क्या है। मैं कोई छुपा थोड़ी रहा हूँ, कोई जिसने किया है उसको पता है किसने किया। तोशाम है यार, नाम लेने क्यों पूछ रहा है, मैं सारी बात बता देते हैं। अरे ये तोशाम के रहे, ये खड़े रहे, ये तोशाम वाले खड़े, सारे बता देंगे। कोई अनदेखी नहीं, माना जिसने लगाना हो ना उसको अनदेखी बताने के वो चाहत रहती है। उसने कोई फ़ोन नहीं किया, फ़ोन किया तो मैंने किए थे पहले फ़ोन, जिन पे वो दो फ़ोन नहीं उठे। फिर जब उन्होंने फ़ोन किया, मैं भाषण दे रहा था और ऑफिस की ओपनिंग में मेरे साथ, हमारे साथ बैठे और साथ बैठ के उसका भी मुखालपत करें, फिर किस तरह की मतलब होती बात। कोई गुटबाजी नहीं यार, अभी देखें, अभी जीती नहीं क्या, 10 में से 5 जीतती ना। कौन कह रहा है गुटबाजी है, हमारा नेता एक है प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देश के अंदर राहुल गांधी और खड़गे जी, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी की। वो उन्होंने जो भ्रांतियाँ फैलाई भाजपा ने, नहीं कोई जादू नहीं चला, कोई जादू किसी का नहीं था, सिर्फ भ्रांतियाँ थी। चलो, कोई जादू नहीं था। तो सुना आपने रावदान सिंह को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर भीतरघात की बात कबूलते हुए, फुल कॉन्फिडेंस में भीतरघात की बात को मानते हुए इशारों इशारों में किरण चौधरी को बहुत कुछ कह दिया, या फिर यूं कहें कि खरी खोटी सुना कहे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच चुनाव के पहले से ही विवाद चला आ रहा है, क्योंकि किरण चौधरी की नाराजगी का कारण उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटना है। हालांकि श्रुति चौधरी की टिकट काटकर उम्मीदवार रावदान सिंह को ही बनाया गया, और रावदान सिंह हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेता है, खास नेता है, और यही कारण है कि लगातार दोनों ही नेताओं के बीच विवाद जो है कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा कांग्रेस में एसआरके गुट वर्सेज हुड्डा गुट की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, और ऐसे में किरण चौधरी को रावदान सिंह, जो कि हुड्डा गुट से ही संबंध रखते हैं, और उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर उतार दिया, तो उनके ये काक बिल्कुल भी नहीं भाए पूरे चुनाव के अंदर। और बड़ी बात यह है कि अब रावदान सिंह ने जो आरोप लगा दिए हैं, रावदान सिंह ने पूरा ठीकरा अपनी हार का किरण चौधरी के सिर फोड़ दिया, उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। क्योंकि बड़े कारण में जहां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 हलके आते हैं, 9 हलकों में से 3 हलके ऐसे जहां कांग्रेस जीतकर निकली, रावदान सिंह को लीड मिली, लेकिन 6 हलकों में रावदान सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा है, जहां से बीजेपी जीतकर निकली, धर्मवीर सिंह को मार्जिन मिला। हालांकि जहां से कांग्रेस जीती वो हलके चरखी दादरी, बाढ़ा और लोहारू है, इन तीनों हलकों में कांग्रेस को लीड मिली, कांग्रेस को मार्जिन मिला, रावदान सिंह तीनों हलकों से जीतकर निकले। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ यानी कि अहिरवाल क्षेत्र की चारों सीटें, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़, ये 4 हलके जहां से रावदान सिंह हारकर निकले, बल्कि ये कहा जा सकता है कि रावदान सिंह अपने घर में भी हार का शिकार हो गए। महेंद्रगढ़ हलके से हारकर निकलना, तो साथ ही अपने बूथ पर भी रावदान सिंह को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो जो है ठीकरा अपनी हार का किरण चौधरी के सिर फोड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि तोसाम हलके से भी कांग्रेस को हार कर निकलना पड़ा, कांग्रेस की हार हुई, यहां से भी बीजेपी बढ़त में रही और कांग्रेस को जो है चुनाव के अंदर पिछड़ना पड़ा। तो ऐसे में अब इशारा जो है किरण चौधरी की तरफ है। हालांकि एक और
हल्का बचता है भिवानी, भिवानी भी वो क्षेत्र है जहां पर किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल परिवार का जो राजनीतिक पकड़ है वो काफी मजबूत है। भिवानी और तोसाम दोनों ही हलकों से रावदान सिंह का हारकर निकलना, कांग्रेस पार्टी को पिछड़कर जो है चुनाव में निकलना भारी पड़ गया, और यही कारण रहा कि रावदान सिंह अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको तोसाम से मजबूती मिलती, अगर वो तोसाम से बीजेपी के लीड को तोड़ पाते तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि किरण चौधरी नहीं चाहती कि उनके और उनके बेटी के राजनीतिक करियर पर कोई नया चेहरा आकर पानी फेरे, यानी कि श्रुति चौधरी लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया। हाईकमान ने श्रुति चौधरी की टिकट काटकर किरण चौधरी को दरकिनार करते हुए रावदान सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाकर उतार दिया, एक अहिर कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया। और उसके बाद किरण चौधरी नहीं चाहती थी कि जो जगह श्रुति चौधरी ने इतने वर्षों में पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनाई उसको कोई जो है नया चेहरा, कोई नया नेता आकर बिगाड़ दे, खत्म कर दे। और यही कारण रहा कि ना जो है किरण चौधरी खुलकर रावदान सिंह की मदद कर पाई और ना ही रावदान सिंह खुलकर किरण चौधरी की मदद ले पाए, और इसका नतीजा यह रहा कि 9 हलकों में से 6 हलकों में जहां कांग्रेस को हारकर निकलना पड़ा तो वहीं मात्र 3 हलकों में ही कांग्रेस रावदान सिंह बढ़त ले पाए। और जिन हलकों से हारकर निकली उनमें तोसाम भिवानी जैसे महत्वपूर्ण हलके, महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसके बाद से लगातार रावदान सिंह अब किरण चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी हार से आहत नजर आ रहे हैं। और अपनी हार का ठीकरा जहां एक तरफ किरण चौधरी पर फोड़ दिया तो वहीं दूसरी तरफ वे लगातार धन्यवादी दौरा करने निकले रावदान सिंह की सभा में भी किरण चौधरी के समर्थकों ने बवाल मचा दिया। हालांकि पहले चरखी दादरी जिले का उन्होंने धन्यवादी दौरा किया, और उसके बाद जब भिवानी जिले में धन्यवादी दौरा करने पहुंचे तो वहां पर भिवानी के अंदर उनकी सभा में किरण चौधरी के समर्थक और रावदान सिंह के समर्थक भिड़ गए, और दोनों ही समर्थकों का आपस में भिड़ना यह इशारा कर रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच कहने को सब कुछ ठीक हो लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों नेताओं के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और किरण चौधरी ने भी चुनाव से पहले रावदान सिंह पर अनदेखी के आरोप लगाए। किरण चौधरी ने कहा था कि उनको और उनकी बेटी को सियासी तौर पर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और हो सकता है कि यह भी एक बड़ा कारण हो, प्रमुख कारण हो कि किरण चौधरी ने खुलकर रावदान सिंह की मदद नहीं की। और रावदान सिंह जो कह रहे हैं कि किरण चौधरी जो धर्मवीर सिंह के पक्ष में नजर आए, उन्होंने अंदर खाते जो है धर्मवीर सिंह के वोट डलवाए हैं, बीजेपी को जो है बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन आरोपों को सत्यापित नहीं किया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी रावदान सिंह एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार लगातार यही आरोप एज इट इज सेम आरोप जो है किरण चौधरी पर इशारों में लगा चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि दोनों ही नेताओं के समर्थकों के बीच भी विवाद छिड़ चुका है। अब यह विवाद जो है कहां तक जाता है, कहां जाकर जो है ठहरता है, ये कोई नहीं जानता। ये बात सिर्फ रावदान सिंह और किरण चौधरी ही बता पाएंगे। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के जो वोटर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या फिर भाजपा को वोट दिया या फिर किसी अन्य चेहरे को, किसी अन्य पार्टी को वोट दिया, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? जो लगातार किरण चौधरी और रावदान सिंह के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रावदान सिंह ने अपनी हार का पूरा ठीकरा किरण चौधरी के सिर फोड़ दिया, अपनी हार का पूरा इल्जाम किरण चौधरी के सिर रख दिया, लगा दिया, तो ऐसे में इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में रावदान सिंह ने भीतर घात की बात को कबूला, तो वास्तव में ही भीतर घात हुआ या फिर नहीं हुआ, क्या सोचते हैं? कमेंट अपने राज्य रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।